एक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं कुछ खास खबरों से रूबरू। हरिद्वार रोड पर मुरादाबाद पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सभी वाहनों को रोककर जाम लगाकर सरकारी काम में बाधा डालने पर सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई। इसमें सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ 6 और लोग शामिल थे। सजा सुनाने के बाद सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अधिकतम सजा हुई है एक तीन आराम से विस्तार से बताइए, क्या मामला था, कितनी सजा हुई? छह में जाम का मामला था, इनका गाड़ी चेकिंग करी गई थी जिसके दौरान इनके द्वारा विरोध करा गया था और जाम लगाया गया था वहाँ, उसको 353 में 2 वर्ष की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और 341 में 1 माह की सजा, 500 रुपये जुर्माना और 7CLA एक्ट में इनको 6 माह की सजा और 500 रुपये जुर्माना लगाया गया। टोटल 9 अभियुक्त थे, 2 सिद्ध हो गए, 7 दोष मुक्त हो गए, आजम खान और अब्दुल्ला आजम।